उत्तर प्रदेश के जौनपुर चंदवक थाने से चंद कदम की दूरी पर स्थित बाजार में घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास कर रहे प्रेमी को प्रेमिका ने लोहे की रॉड से मारकर मौत की नींद सुला दिया। यह सनसनीखेज वारदात की खबर मिलते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल छा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और युवती के परिजनों को हिरासत में ले लिया गया। वहीं दूसरी तरफ युवक की मौत की जानकारी होते ही युवक के परिजन और ग्रामीण ही घटनास्थल पर पहुंच गए और युवक की हत्या किए जाने की बात करते हुए गाजीपुर चंदवक मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि बिना परिजनों को बताए पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लगभग 4 घंटे तक परिजनों ने रूट पर जाम लगा रखा। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी बात पर अड़े रहे। काफी समझाने के बाद जाम खुल सका। 11 बजे तक मेरे साथ चंदक 11:30 बजे तक घूम रहे थे और हमसे घूम के हमेशा मजाक कर रहे थे कि बाइक वाइक पर हमको घूमना लिए थे TVS, उस पर बोले घूमने के, हम बोले कि हमको टिकट निकालने के लिए जाना है उड़ियार, तो नहीं यहाँ पर चाय पी के यहाँ पर रहो, हमारे साथ चलना, हम भी चलेंगे साथ में। हमको सुबह बनारस भेजे ताकि हम बनारस भी नहीं गए उनके कहने पर। 11:30 बजे उनको हम छोड़ कर जबरदस्ती छोड़ कर चंदक में चले गए। वो बोले कि बुलेट धोना है बुलेट, फिर वहाँ बुलेट उनके दुकान पर धुलाने के लिए चले गए बुलेट उनका। फिर वहाँ पर रिंकू चाय पकौड़ी के सामने वहाँ बैठे थे, वहाँ से उनसे हम जबरदस्ती छुड़ा कर फिर उड़ियार चले गए, जो कि ताकि वहाँ से वहाँ फिर उनका पता चला, हमको बाद में फोन आया कि भैया की ऐसी घटना हुई है, फिर उड़ियार से ताकि टिकट निकाल कर आ जाती है, फिर भाग के चंदक वापस तुरंत आए। फिर उनके माता पिताजी को फिर तुरंत यहाँ पर चंदक थाना पर लेकर आए, पता चला कि पुलिस ने सदर भेज, हाँ चंदक ने हमें लेके आए उनको चंदक थाने पर, जाकि सदर भेज दिया, पैसा इसमें पुलिस वाले पैसा लिए हैं और सरासर सब झूठ है कि मर्डर हुआ है, किसी साजिश थी उनको मरवाने की। इनके साथ घटना हुई है, उनका नाम क्या है? शिव कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह। आपका क्या नाम है? विकास पांडे। कहाँ के रहने वाले? मड़ार के। उनके कत्ल हुए क्या? ये चंदवक थाने की घटना है लगभग सुबह 11 बजे की, और प्रथम संज्ञान में ये आया है कि ये दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते थे और फ़ोन के पर बात करने इनकी बहुत पहले से बातचीत होती थी, और इसके बाद वो लड़का जो है लड़की के घर मिलने गया और वहाँ पर ये घटना घट गई है। तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या लड़का लड़की आपस में प्रेमी प्रेमिका का बताया जा रहा है? जी, अभी जो चीज़ जो वहाँ पर आ रही है कि इनका आपस में टेलीफोन से बातचीत होती थी मोबाइल से। किस हथियार का प्रयोग किया गया था ये जो? जी, वहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कोई रॉड थी, उस रॉड से उसको मार दिए, इसके कारण उसको गंभीर चोट आ गई, हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी शायद डेथ हो गई। गिरफ्तारी भी कर ली है? अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त होते ही सारी विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।